सो गाइज लुक एट द बोर्ड एंड सारे कंसंट्रेटेड रहिएगा। अब अच्छा साइंटिफिक की भी वीडियो भेजी थी मैंने, है ना? हाँ साइंटिफिक का किस किसने वो देखा, साइंटिफिक के रूल किस किसने पढ़े थे, किस किसने अच्छे खासे वो वीडियो देखी थी, जरा यस नो कह दें। शाबाश। हाँ देखनी थी ना, देखे 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 देखे। हाँ देखे ना, आप लोग इसी में सुस्ताई दिखकर मतलब कि दिखा रहे हैं। अब आप लोगों ने देखनी है, क्योंकि अब जो मैं टॉपिक पढ़ाने वाला था ना, वो टॉपिक जरा थोड़ा ऐसा था कि भाई आप लोगों को सारा लिंक था ना, बात यह है सिंप्लीफिकेशन में पढ़ाने वाला था, जरूरी नहीं है उसके उसके बाद देख लेते आप लोग, कोई मसला ना था। अब इधर देखियो मैं बता रहा हूँ, साइंटिफिक नोटेशन इज वेरी सिंपल। इधर देखें, अगर मैं लिख रहा हूँ ऐसे ही, मैं कहता हूँ एक एग्जांपल है 0.00025 है, ऐसे है, दूसरा मैं लिख रहा हूँ ऐसे, है ना, ऐसे लिखा है मैंने ऐसे। बात यह कि ये बड़े बड़े नंबर जो होते हैं ना, उनको छोटे एक ऐसा समझे कि बात एक होती है, बात एक ही होती है, दरअसल उनको हम लोग स्पेसिफिक थोड़े चीज़ों में ला देते हैं ना, तो हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक नहीं बनता। देखियो लुक, अब इसको ना ऊपर वाले को मैंने क्या करना है, चेंज करना है साइंटिफिक नोटेशन में, स्टैंडर्ड फॉर्म में। देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म कहा जाता है, इधर देखिए एरो उधर गया ना, एरो एरो जो है तीर जो है उधर गया, ये वाला तीर इधर आए फॉर सपोज, क्योंकि हम लोगों का जो टारगेट होता है ना ज्यादातर ये होता है, जरूरी नहीं है ये दूसरे भी हो सकते। इधर देखिए, अब इस वाले को आप लोग इधर लेके जा रहे हैं, मैट्रिक में पढ़ा है आप लोगों ने थर्ड चैप्टर में, इधर लेके जा रहे हैं और इस वाले को इधर लेके जा रहे हैं। देखिए एरो अगर राइट साइड पे जाए तो नेगेटिव की सिंबल कैसे आती है वो भी बता रहा हूँ, अगर ये राइट साइड पे जाए तो पॉजिटिव की सिंबल, सॉरी लेफ्ट साइड पे जाए। अब ये ऊपर वाला लेफ्ट राइट में जा रहा है तो नेगेटिव आएगा, अब नेगेटिव कैसे आएगा देखिए जरा, बबे इधर कंसंट्रेट करी जरा, इधर देखिए। अब देखिए मैंने रिमूव करके नीचे वाले पार्ट को ऊपर वाला पार्ट समझा रहा हूँ मैं, भाई ये जो एरो गया है ना इस साइड पे गया है, तो इसका मतलब है ये मतलब नेगेटिव होगा, तो एरो के बीच में यहाँ से लेकर ये यहाँ तक गया, इसका मतलब मूव जो किया है बीच में नंबर कितने, एक ये एक ये एक ये एक ये, चार नंबर हैं, इसका मतलब ये 2 पॉइंट यहाँ पे पॉइंट में आएगा, शविता लिखे नहीं इधर 2.53, क्योंकि इधर तक मूव किया है ना, इंटू 10 पावर, मूव कितना किया है 4 डिजिट्स, एक ये एक ये एक ये एक ये, तो 4 डिजिट मूव किया है, आएगा क्या माइनस आएगा, क्योंकि ये राइट साइड पे गया है तो माइनस क्या होगा 4, 4 डिजिट। अब लेट से कि मैं कहता हूँ आप लोगों से कि 0.002 है, अब इसको मूव करना है आपने इधर इधर, ये क्या होगा, जल्दी शाबाश जल्दी जल्दी, ये क्या होगा, व्हाट इट विल बी, इट विल बी 2 × 10⁻³, इट विल बी 0.। अबे माइक बंद कर देना, आपकी तरफ से आवाज आ रही है ना वाजिद, ना किया करें, जब आपकी तरफ से बैकग्राउंड में थोड़ा आवाज है, हवा चल रही है, कुछ भी है, तो प्लीज अपनी माइक मतलब ऑफ रखे, बेहतर है चैट पे आ जाया करें। शाबाश। अब लेट से मैं कहता हूँ कि 0.00235, सॉरी 0.0 मतलब 0.002356। अब आपकी मर्जी है इस साइड पे करें या इस यहाँ पे लेके चलें या इधर लेके चलें, इट्स अप टू यू, मगर क्वेश्चन की नेचर भी होगी, उसकी मर्जी है, वो कहीं तक भी ले जा सकता है, अगर वही ऑप्शन उसी के हवाले से होगा। अगर मैं कहूँगी ये 0.5 और 6 के दरमियान लाना इधर, तो कितना होगा इधर इधर इधर, शाबाश जल्दी, तो कितना हो सकता है ये, गाइस जल्दी देखिए, यहां से लेकर अगर यहां तक जाता है तो बीच में कितने डिजिट है, 5 आ गया, ये 2, 3, 5, अब पॉइंट इधर आएगा 6 × 10⁻⁵, अब ऐसे ही ये लेफ्ट में जा रहा है इसलिए एरो। अब ऐसे ही मिसाल के तौर पे मैं कहूँ कि भाई लेट्स से कि भाई
लीना रिमोट कंट्रोल आप लेना चाह रही हैं? नहीं है, इधर देखियो। अब मिसाल के तौर मैं कहूं कि भाई 2356.52 है, अब इसको इस तरफ लाना है। अब ये लेफ्ट साइड आया है तो ये 2.35652 × 10^10, बीच में कितने इसने क्रॉस किया? 3। तो ये क्या होगा? पॉजिटिव होगा, तो पॉजिटिव 3 होगा। ये लेफ्ट भी आएगा तो पॉजिटिव होगा, राइट भी आएगा तो नेगेटिव होगा। अब मिसाल के तौर मैं कहूँ अगर 2 × 10^3, अब मैंने ऐसे कह दिया क्योंकि जब ये लेफ्ट में जा रहा था तो पॉजिटिव था, ये उल्टा हो जाएगा। तो 2 × जितने 3 है ना, जितने ऊपर मतलब 10^10 इतनी 0 आ जाएंगे ऐसे। या अब ये यूं मूव करेगा, यूं जब 10 में गिवेन हो 10 में, तो वो राइट में मतलब इंक्लूडेंगे जीरोस। अगर लेफ्ट माइनस में हो तो वो लेफ्ट में जाएंगे, अगर ये 10^10 गिवेन हो तो। याद रखियो, वैसे इसका इतना रोल नहीं है, इसको भले छोड़ दे, मसला नहीं है। जो रोल था वो मैंने बताया। वो कैसे रोल था? इधर देखिए, मैंने कहा 0 पॉइंट, मैंने एग्जाम्पल दे रहा हूँ। इधर देखिए, ये बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। आई टोल्ड यू लीना, माइक बंद यार करी, माइक बंद करी, शाबाश। आई टोल्ड यू 0.02 है। अगर देखिए, मैंने कहा 0.04 है भाई। ओ भाई, ओ भाई, इधर 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 देखिए जरा ना, मैं बता रहा हूँ आपको। पहली बात तो ये है कि आपको समझना ये है कि भाई अगर मैं यहाँ पे इसको इधर ले आऊँ और इसको मैं इधर ले आऊँ तो क्या बन जाएगा? 2 × 10^-2 / 4 × 10^-2। ये समझ आया है? ओ बाबे, ये वाला समझ आ गया है? यस, आ गया होगा यस इंशाल्लाह। सर, क्योंकि ऊपर वाला जो है हम लोगों ने क्या स्टैंडर्ड फॉर्म में सिर्फ चेंज किया है, नीचे वाला भी स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज किया है। अब बात है रुसवाई की। ये 10^-2 है, ये 10^-2 है। एक्सपोनेंट जो रूल थे क्या कहते थे? क्या ऊपर नीचे जो सेम हो तो आपस में टेबल लग सकती है? लगी टेबल, ये क्या हो गया? 2/4 लगा दी टेबल, 2 की 2 पे 1 टाइम एंड 4 पे 2 की 2 टाइम, तो 1/2 आ गया। अब सिंपल सी बात है, आप इधर जा क्यों रहे हैं? जाए नहीं ना, एक कानून बता रहे हैं, इधर जाए नहीं। अब यहाँ पे देखें, सिंपल सी बात यह है, यहाँ पे देखें आप लोग कि भाई डॉट के बाद जीरो कितनी है, सॉरी मतलब डॉट के बाद जो डॉट ये मूव करना है होल में, तो बीच में कितने डिजिट आ रहे हैं? 2। इस वाले डॉट के बाद बीच में कितने डिजिट आ रहे हैं? 2। ये आपस में दो दो खा गए तो बचा क्या? 002/004। इसका मतलब क्या है? 2/4 सेम आ गया। देखिए, अब मैं ना आपको आपको ऐसा ही सवाल दे रहा हूँ, वो आप लोगों ने करना है। देखिए, अच्छा, एक मिनट, मैं एक और भी समझाऊँ, एक और भी समझा रहा हूँ। 0 पॉइंट मैंने कहा 4/0.02। अब ये सॉल्व कैसे होगा? मेरी बात क्रिटिकली समझी, मैं बता रहा हूँ, मेरी बात क्रिटिकली समझी, मैं बता रहा हूँ। ये कैसे होगा, ये कैसे होगा? देखिए भाई, सबसे मेन बात ये होती है, सबसे मेन बात ये होती है कि ये पॉइंट के बाद कितना 1 है, ये पॉइंट के बाद कितना 2 है। जितने जा रहे हैं ना, बदला लेने दें। वो कह रहा है कि मैं तो एक जाऊंगा, अब नीचे वाला कह रहा है कि भाई तू भी एक जाएगा तो मैं भी एक बढ़ता हूँ। यार तू एक बढ़ रहा है, मैं भी एक बढ़ता हूँ, है ना? ज्यादा कोई नहीं बढ़ सकता, जितना जितना हक है वही। तो क्या होगा अगर वो एक बढ़ रहा है? तो ये क्या होगा? 4/, अगर ये वाला नीचे वाला एक बढ़ा क्योंकि वो एक डिजिट था ऊपर और यहाँ पे एक डिजिट बढ़ा है, ये क्या होगा? अगर ये इधर आ गया ये 0.2 हो जाएगा। अपा समझ आ रही है ना? अब इधर देखिए, अब 2 कहता है कि यार मैं ना अब मैं भी पॉइंट पे खड़ा हूँ, मैं भी पॉइंट पे खड़ा हूँ। 2 कह रहा है माइनस जो सॉरी 0.2 है। अब 0.2 कह रहा है कि मैं पॉइंट खड़ा हूँ और 0.2 जिद कर रहा है कि भाई मुझे जाना है, मुझे ये जो डॉट है ना मुझसे खत्म करो बस, मुझसे नहीं सहा जाता। और ऊपर वाला 4 कहता है कि भाई आप अगर खत्म हो रहे हैं तो मुझे 0 देना पड़ेगा। तो 2 कहता है शर्त मान, कबूल है, मसला नहीं है, कबूल है ना? इधर देखिए, तो 2 अगर इधर गया तो जितने डिजिट जाएगा उतना ऊपर 0 आएंगे। तो क्या हो गया? 4/0/2 आ गया रिजल्ट 20। 0.4/0.02 को अगर ये डिवाइड करेंगे तो आपका रिजल्ट 20 आएगा, ना आए तो बस मुझे कहीं। अब एक और एग्जांपल समझा रहा हूँ, डोंट वरी डोंट वरी। इसको क्रिटिकली अगर मैं समझाऊँ आपको, वो कैसे समझाऊंगा? इधर देखिए,
क्रिटिकली थोड़ा भावे लुक। अब आपको पता है ना कि चलें अगर ये समझ नहीं आया तो इधर देखें, मैं बता रहा हूँ ना जीरो क्यों दें, फातिमा जीरो क्यों दें बता रहा हूँ। ये अगर इधर जाए तो क्या होगा, 4/2 × 10⁻¹। ये तो पता है ना 10⁻¹। अब यही 10⁻¹ अगर मैं पॉजिटिव करना हो तो ये ऊपर चला जाएगा, तो 4 × 10 हो जाएगा 10⁻¹/2। 4 × 10 क्या होगा, 40/2। देखिए आ गया वही सेम, ये तकलीफ करने की जरूरत नहीं है। तो भाई यहाँ पे जितने लोग हैं उतने जीरो तो ऊपर दे दें, गाल खत्म, आपका मसला हल हो गया। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, नया मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं आप लोगों को दे रहा हूँ ना, आप लोगों को तंग तंग आप लोगों की तो करूंगा, किसको करूँ बाकी मैं। अब इधर देखिए पहला क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, भाई ये सॉल्व करना है 6 कर दें, 0.003 ऊपर वाला 6 है, ठीक है ना, मैं इसको मिटा के 6 लिख देता हूँ। पहला ये सॉल्व करें, शाबाश, ये इसका क्या रिजल्ट है, क्विक क्विक करना है, सारा सॉल्व नहीं करना है, सॉल्व नहीं करना, क्विक बताना है, पता ही चल रहा है तो बता देना बस, जल्दी करी। मैंने कहा कि 0.006/0.02, ये करी जरा, 6/3, 1/2, 2, ठीक है शाबाश, 2 आएगा ना ऊपर वाला, सिक्स अपॉन थ्री मतलब 2 ना, 6/3 आ गया ना 2, ये क्विक करना। जब मैं आप लोगों को टेस्ट लूंगा ना, आप लोग टेस्ट के लिए तैयार है वैसे, जब मैं टेस्ट लूंगा ना, फिर रोयो नहीं, मैं बता रहा हूँ रूम पे टेस्ट लेता हूँ, 1 मिनट के लिए 1 MCU होता है बस। शाबाश, अब ऊपर वाला देखें जरा, आयशा सनम, थैंक यू सो मच आयशा फॉर ज्वाइनिंग। इधर देखिए भाई नंबर पहले क्वेश्चन में, नंबर क्वेश्चन 1, इसमें देखें मैंने क्या कहा था, खा जाएंगे है ना, 3 हड़प दिया है ना, तो 6/3 सीधा 3 की टेबल लगा दें, 2 आ गया, हो गया 2, माशाल्लाह गुड हो गया। अब क्या आता है, 0.2 में 006 है अपॉन 0.02 है, भाई 2 कहता है नीचे 2 है, तो ये कहता है कि भाई मैं तो जाऊंगा, ऊपर वाला कहता है कि भाई तू जाएगा तो मैंने चोरी की है, ऊपर वाला कहता है मैं भी 2 जाऊंगा, तो 2 गया तो क्या बन गया, एक तो 0.6 अपॉन नीचे 2 बन गया, देखिए 0.6/2। अब 0.6 ऊपर खड़ा है, अगर ऊपर वाला ये इधर जाता है तो नीचे 0 आएगा, अगर ऊपर वाला उधर जाएगा तो 0 नीचे आएगा, तो क्या बनेगा, 6/20, 2 की टेबल लगाएं 3/10, ओ वाह, समझ तो आ रहा है ना, या जो आ रहा था वो भी जा रहा है। देखिए ये क्रिटिकल क्वेश्चन होते हैं, सो यू गाइस हैव टू टेक दैट एज अ मतलब ऑब्वियसली एज अ थोड़ा नॉर्मल, ठीक है ना, इतना लंबी चौड़ी नहीं छोड़नी होती हम लोगों को, बाय द वे आप लोगों को बस थोड़ा समझना होता है, बाकी इंशाल्लाह खुद ब खुद हो जाएगा, ऐसे क्वेश्चन आएंगे रुलाएंगे आप लोगों को। इधर देखिए जरा मैं दूसरा क्वेश्चन दूं आप लोगों को, कह रहा हूँ 0.3 कर रहा हूँ, इसको सॉल्व करिए जरा, आवाज कट रही है मेरी, नहीं आवाज आ रही है ना मेरी, ऐसा ना करें, ये जुल्म है मेरे साथ, ये सॉल्व करें शाबाश जल्दी। शाबाश, शाबाश, देखें, उम्मीद है आप लोगों ने अच्छा खासा कर लिया होगा, और उम्मीद है आप लोग होशियार भी हैं। फ्रैक्शन में बताना मेरे भाई, शाबाश,
2/4 कह रहा है कोई, कोई 8/5 कह रहा है, कोई कह रहा है 0.16 कह रहा है, 4/25 कह रहा है। अरे बड़े मजेदार आंसर निकल रहे हैं ना, बड़े मजेदार आंसर निकल रहे हैं, बड़े मजेदार आंसर निकल रहे हैं। इधर देखिए जरा, कोई मसला नहीं है, गलत भी बता रहे हैं, कोई बात नहीं, बताइए जरा। मैंने पहले कहा हुआ है आप लोगों को कि भाई आप बताएं, आप बताएं, मैं बैठा हूँ इधर। इधर देखिए भाई, मैंने कहा था कि ये इधर गया तो ये भी इधर जाएगा, जिद है ना कि हम क्या करें, अगर ये नीचे एक है तो ऊपर भी एक जाएगा, इधर कर दी ना, कौन कह रहा है आप लोगों को। तो क्या बन जाएगा ये 6/3 इंटू ये 2, क्या बन जाएगा 2.4/3, 2.4/3 इज इक्वल टू ये 3 की टेबल इस पे 2 टाइम जाएगी तो क्या बन जाएगा 2 × 2.4 क्या बन जाएगा 3। अगर ये 2 पॉइंट मैं निकालता हूँ यहाँ पे पॉइंट, तो नीचे आ जाएगा 0। देखिए देखिए बड़ी बड़ी मजेदार कहानी है, 2 × 2.24/30। अब तो समझ आ रहा है ना, अब 2 की टेबल लगाई इस पे 15 टाइम तो 2/4/15। अब भी 3 की टेबल लग रही है, जरा देखी तो जाने ना दी, 3 की टेबल लग रही है तो 6/5 8/5 ये क्विक मैथ स्किल आती है, आप लोग प्रोसेस के पीछे ना पड़े प्लीज। सच्ची बताएं, सच्ची बताएं, ये किस किस को ऐसा पैटर्न नहीं आता था और ज्यादा समझ आ गया, अगर आता भी था तो सच्ची बताएं। और अगर नहीं आता था, अगर और अगर नहीं आता था और ऐसा क्वेश्चन आ जाए अगर, तो फिर आप लोग कैसे सॉल्व करते हैं? तो फिर आप लोग ये कैसे सॉल्व करते अगर नहीं आता था और यहाँ पे आप लोगों को अच्छे से नहीं समझाया जाता तो आप लोग कैसे सॉल्व करते ये? थैंक यू इकरार, बिलाल, फारूक, सब सब थैंक यू। सिंपलीफाई करते सिंपल है ना, डिवाइड करने में लगा पिया होता असा चाचा बैठान होते असा जो आधा सिंपलीफिकेशन उधर भाई है ना, सिंपलीफिकेशन पे टाइम नहीं लगाना और ना ही कैलकुलेटर आपको अलाउ है और मोबाइल भी अलाउ नहीं है तो कैलकुलेटर कैसे अलाउ कर सकते, इलेक्ट्रॉनिक मशीन को ही अलाउ नहीं है, ऐसे थोड़ी होगा। ये ट्रिक्स जो मैंने आपको बताई है इन्हीं को जहन में रखना है और मॉक टेस्ट में यही होगा, कुछ भी अलाउ नहीं होगा। आगे देखियो जरा, इधर देखियो, मैं आ जा रहा हूँ जी ना, कोई मसला नहीं, इधर देखियो, शाबाश। देखिए ये सिंपलीफिकेशन इंशाल्लाह आप लोगों को आगे होगी। अब मैं आप लोगों को एक चीज पढ़ा रहा हूँ, इधर देखियो जरा। अब हम लोग जा रहे हैं फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स पे ना, फैक्टर्स एंड मल्टीपल। इधर देखियो आप लोग, मॉक टेस्ट 30 जुलाई को है, इधर देखियो जरा, अभी इंशाल्लाह कोर्स हमारा अच्छा खासा पूरा हो जाएगा। इधर देखियो फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स पे पढ़ रहे हैं। देखिए अगर मैं लिखूं, अगर मैं यहाँ पे लिखूं, ओ बाबे इधर देखिए 20 लिखा मैंने, सॉरी 40 लिखा मैंने, 60 लिखा मैंने, 80 लिखा मैंने, 100 लिखा मैंने, ये आगे जा रहा है। एक लिखा 1, 2, 4, 5, 10, 20, रुक गया। वाट इज डिफरेंस बिटवीन देम, शाबाश। ऊपर वाले मेथड और नीचे वाले में क्या फर्क है, मतलब क्या है, क्या है ये, क्या है बला, कौन सी है, हैं कौन सी बला है? शाबाश, अरे शाबाश, अच्छा, रुक, हाँ गुड उजैर। देखिए ऊपर वाले मल्टीपल हैं, ऊपर वाले क्या हैं, ऊपर वाले मल्टीपल हैं। इधर देखिए एक ये 20 का मल्टीपल, मल्टीपल का मतलब है कि 20 के साथ एक वन मल्टीप्लाई किया 20 आया, 2 मल्टीप्लाई किया 40 आया, 3 मल्टीप्लाई किया 60 आया। ये मल्टीपल जो रुकने वाले हैं नहीं, मल्टीपल हमेशा कंटिन्यूअस चलते रहते हैं। ऊपर क्या एक तो, मतलब मल्टीपल है, मल्टीपल ये ऐसे लिखा जाता है, MULTIPLE है ना, ठीक है ना, ऐसे लिखा जाता है। ऊपर मल्टीपल है, अब नीचे जो निकले हैं ना फैक्टर्स, अब नीचे वो सारे नंबर हैं, ये वो सारे नंबर हैं
जो कि 20 के क्या हैं, फैक्टर्स हैं। अब ये फैक्टर्स वो होते हैं जो डिवाइड कर लेते हैं। अब इनमें से जो भी नंबर है क्या 20 को डिवाइड नहीं कर रहा? यस दे विल, है ना। अब ऊपर मल्टीपल में देखें, ये मल्टीपल वो हैं जिसको खुद 20 डिवाइड कर रहा है, जिसको खुद 20 डिवाइड कर रहा है, खुद जा रहा है मुझे डिवाइड करने दे, है ना। ये फैक्टर वो हैं, वो खुद 20 के पास खुद आते हैं डिवाइड करने के लिए। अब देखिए देखिए देखिए, अब इसमें मैं एक चीज आप लोगों को ना बताऊंगा। डू यू नो कि भाई प्राइम 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 नंबर्स क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? तो फिर अपने टेबल से मल्टीप्लाई हो। हाँ शाबाश, शाबाश। अपने मल्टीप्लाई हो, शाबाश, गुड हो गया। अब इधर 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 देखिए भाई, प्राइम नंबर वो होते हैं एक खुद से एक वन से डिवाइड हो सके। 3 है, 2 है, 5 है, 7 है, 11 है, ये नंबर वो हैं जो खुद से डिवाइड हो रहे हैं और वन से डिवाइड हो रहे हैं, बाकी किसी से डिवाइड नहीं हो रहे। इनका झगड़ा है, हर किसी के साथ झगड़ा है। 4 है, 4 के कौन कौन से फैक्टर्स हैं? फैक्टर्स फैक्टर्स मतलब वो फैक्टर क्या होते हैं जो नंबर डिवाइड करे। एक वन है, 2 है, 4 है, आ गया 2, कर दिया डिवाइड। तो इसलिए 1 और 4 के, 1 और इटसेल्फ क्या 4, इनके अलावा अगर कोई डिवाइड करेगा तो वो प्राइम नहीं रहेगा। अब लेट से कि मैं कहूँ 19 है, अब 19 प्राइम है ना? क्यों प्राइम है भाई, कोई और टेबल जा ही नहीं रही है, 19 की टेबल जा रही है, एक 1 की टेबल जा रही है, दीज आर कॉल्ड प्राइम नंबर। अब देखिए, अब मुझे कोई बताएगा 20 के जो फैक्टर्स हैं वो कौन से थे? ये वाले है ना, इफ यू रिमेंबर दैट, ये फैक्टर्स। देखिए देखिए देखिए, ओए फिर 10 मिनट पे चली गई ना। आवाज आ रही है मेरी? हाँ एक मिनट, एक मिनट कर गया मैं। अच्छा लुक, अब अगर मैं यूं कहूं कि भाई इनको मैंने ऐसे लिखा 20 एंड 2 के टेबल लगाए 10, ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कहा जाता है। 2 की टेबल लगाए 5 एंड 5। अब ये दो, ये दो, ये दो, ये भी फैक्टर्स हैं। अब ये 20 के जो फैक्टर प्राइम फैक्टराइजेशन की मेथड से आए हैं वो ये आए हैं, तो फिर इसमें और इनमें फर्क क्या है? इसमें तो बहुत हैं, इसमें तो बहुत हैं, इसमें तो सिर्फ 2 हैं, 2 और 5 हैं। क्यों भाई, क्यों क्यों? हाँ ये जो मेथड है ना, ये जो मेथड है, ये मेथड को कहते हैं हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। क्या क्या कहते हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन। अब नाम क्या है? नाम प्राइम फैक्टराइजेशन है, याद रखिए। तो फैक्टर किस में आएंगे? फैक्टर भी तो प्राइम में आएंगे ना, तो ये वाले में जो भी फैक्टर हैं 20 के वो सारे के सारे प्राइम है। अब देखिए ये प्राइम निकल गया, 2 भी निकल गया, ये 5 भी, सॉरी हाँ 5 भी निकल गया। अब दूसरे जो फैक्टर्स है ना वो प्राइम नहीं है। देखिए प्राइम है फैक्टर, असल ये मेथड ही प्राइम का है, ये मेथड ही प्राइम का होता है, ये मेथड ही प्राइम का होता है। अब देखिए लेट से के 40, अब 40 के जो प्राइम फैक्टराइजेशन है, ऑब्वियसली प्राइम नंबर जो फैक्टर्स हैं इसके प्राइम, वो कौन से होंगे? 2 2 10 2 5 एंड 5। अब 40 के में 2 एंड 5 ही हैं, वैसे 40 के कौन कौन से हैं? 2 है, 4 है, 5 है ना, और कौन सा है भाई, 10 है, 8 है, 20 है। देखिए फैक्टर तो बहुत हैं, मगर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कौन से हैं? 2 हैं, और वही 2 प्राइम हैं। अब बताएं इनमें से प्राइम कौन से हैं? इनमें से एक 2 है और दूसरा बेचारा 5 है, बाकी तो प्राइम है नहीं। अब आप कहानी समझ आ रही है? थोड़ी आएगी, आएगी इंशाल्लाह आएगी, है ना।
शाबाश। अब आगे देखिए, अब आगे शाबाश, इधर इधर देखिए, शाबाश लुक। सो अब ना मैं एक चीज पढ़ाने वाला हूँ आप लोगों को, क्या 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 पढ़ाने वाला हूँ पता है? ये अगर आप लोगों को थोड़ा पता चल गया होगा तो कोई अंदाजा लगा लीन अंदाजा जरा। आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ LCM एंड HCF। शाबाश। मैं पहले पहले आप लोगों को समझाऊंगा LCM क्या, LCM एंड HCF क्या। ये भाई पता है क्या है, नाम से जाहिर है LCM का मतलब क्या है। मैं पहले वर्ड को थोड़ा तोड़ूंगा। L का मतलब क्या है, लीस्ट, लीस्ट। C का मतलब क्या है, कॉमन, इधर देखी। M का मतलब क्या है, मल्टीपल, है ना। M का मतलब क्या है, मल्टीपल। अरे वाह वाह, ये मतलब है माशाल्लाह। आप देखिए 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 क्या कह रहा है, लीस्ट, कॉमन, मल्टीपल। ओ भाई वो कह रहा है कि सबसे छोटा, कह रहा लीस्ट हो, होना कॉमन चाहिए और मल्टीपल होना चाहिए। लीस्ट हो, कॉमन हो और मल्टीपल हो। भाई कॉमन एक नंबर का तो नहीं हो सकता, कॉमन तो दो नंबर का हो सकता है ना, चार नंबर का हो सकता है, पांच नंबर का हो सकता है। लीस्ट कॉमन उसको कहते हैं, कॉमन उसको कहते हैं, एटलीस्ट कॉमन तो, मगर लीस्ट हो क्या, हो क्या, मैं फिर भी चीख चीख के बता रहा हूँ, हो क्या, मल्टीपल हो मगर कॉमन हो। अब बता रहा हूँ, देखियो मैं कह रहा हूँ फॉर सपोज इसको मैं मिटा रहा हूँ, देखिए इधर देखिए, इसको मैं मिटा रहा हूँ। मैंने कहा कि भाई 20 और 30, देखिए अब 30 के जो जो मल्टीपल हैं, क्योंकि लीस्ट कॉमन मल्टीपल है ना, मल्टीपल का बात कर रहा है, तो मल्टीपल 20 कौन था, 20 है, 40 है ना, 60 है, उसके बाद क्या है, 80 है, ठीक है, और 100 है, उसके बाद 120 है, एंड उसके बाद क्या है भाई, 150 है। अब इधर देखिए, 30 के कौन कौन से हैं, 30 के हमारे पास है 30 है, ठीक है, 60 है, उसके बाद 90 है, ठीक है ना, एंड उसके बाद 120 है, उसके बाद 150 है, आगे चलता जा रहा है। मुझे ये बताएं, इन दोनों के मल्टीपल में कॉमन कौन कौन से हैं। देखें 60 है, 120 है, 150 है, ये कॉमन है। अब LCM का मतलब क्या है, अब LCM का मतलब क्या है, मतलब बता दी मैं। देखे ना, मैं आप लोगों को खुद इंगेज कर रहा हूँ, बाकी मेरा वास्ता नहीं, आप लोग खुद सीखे, है ना भाई। LCM का मतलब क्या है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मल्टीपल होना चाहिए सबसे छोटा। अब इनमें से सबसे छोटा क्या ना, वैसे भी आगे भी जाएंगे ना, आगे भी कॉमन है, सबसे छोटा लीस्ट कॉमन मल्टीपल कौन सा है, सबसे छोटा मल्टीपल कौन सा है, सॉरी सर 20 का 140, आई है ला आई ला, I'm really sorry, यहाँ पे मिस्टेक है, छोड़ दी भले, कोई मसला नहीं, कोई बात नहीं है, यहाँ पे है, मैं ना ऐसे ही थोड़ा जल्दी में चला गया भाई। सबसे छोटा मल्टीपल कौन सा जो कि कॉमन है, वो यही 60 खड़ा है ना, तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल 20 और 30 का कौन सा, 60। मगर ये मैंने आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग दिया, ये मैंने आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग दिया है। LCM फाइंड करने का तरीका, LCM फाइंड करने का तरीका आप लोगों का वही प्राइम फैक्टराइजेशन वाला है। देखिए देखिए, इसका 60 आया था ना 20 और 30 का, देखिए 20 और 30 ऐसे लिखी और इसकी LCM निकालनी। देखिए 2 की डबल जाए 20 पे 10 टाइम, 2 की डबल वही 30 पे जाए कितने टाइम जाएगा, 15 टाइम। 2 की 10 पे पहले सबसे छोटी वो वैल्यू निकालनी है, 2 की 10 पे कितने टाइम भाई, 5 टाइम, और भी 15। फिर 3 की, ठीक है, और उसके बाद 5, और फिर 5, फिर कितनी 5। अब यही चीज़ करनी होती है आप लोगों ने कि भाई ये 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें, 4 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें, 6 4 को 3 के साथ 12, ठीक है ना, और 12 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करें, कितना आता है, 7 आया। ये LCM आपके साथ निकल गई 20 और 30 की। देखी LCM फाइंड करने का तरीका ये होता है, LCM फाइंड करने का तरीका ये है। अब HCF का देखियो, मैं क्वेश्चन दूंगा, डोंट वरी अबाउट दैट एनीथिंग, है ना, मैं हूं ना, इधर देखिए मेरा HCF जो है सेम तरीका है। HCF का मतलब क्या है,
भाई हाईएस्ट कॉमन होना चाहिए, क्या होना चाहिए, फैक्टर होना चाहिए भाई, हाईएस्ट सबसे बड़ा कॉमन होना चाहिए मगर फैक्टर होना चाहिए। मुझे ये बताइए जरा, मुझे बताइए, यही 20 मैं 30 करता हूँ, 20 के फैक्टर कौन कौन से है, 1 है, 2 है ना, और 1 है, 2 है, उसके बाद जो है हमारे पास 4 है, 5 है, 10 है, 20 है, 30 के फैक्टर कौन कौन से है, 1 है, 2 है, 3 है, 5 है, 6 है, 10 है, 15 है, 30 है भाई। कॉमन पहली बात तो यह है कि कॉमन कॉमन कौन कौन से, कॉमन कॉमन कौन कौन से, कॉमन कॉमन एक तो एक 10 है, उसके बाद ये 5 है, उसके बाद ये 2 है, ये 1 है। अब HCF का मतलब क्या है, हाईएस्ट सबसे बड़ा हो, कॉमन होना चाहिए और फैक्टर होना चाहिए, और इनमें से सबसे बड़ा फैक्टर कौन सा है, और जो कि कॉमन हो, सबसे बड़ा फैक्टर कौन सा है जो कि कॉमन हो, दैट इज HCF, दैट इज 10, दैट इज 10, जो कि 10 है, जो कि 10 है, जो कि 10 है, ठीक है ना। तो HCF क्या है, 10 है। अब HCF फाइंड करने का जो तरीका है वो क्विक तरीका, ये तरीका अप्लाई नहीं करना है, HCF जो फाइंड करने का जो तरीका है, मेथड है, वो ये है, देखिए जरा भाई, आप लोगों ने क्या किया, 20 की 20 के फैक्टर निकाले अलग, देखिए 2 की टेबल गई 10, 2 की टेबल गई 5, ये 5, अब 30 की लगाई 30 पे अलग, ये अलग अलग। LCM होता तो साथ कर सकते थे, HCF का साथ नहीं कर सकते, 15 3 की टेबल 5, ये 5। अब देखें कॉमन कौन से है, एक कॉमन ये जोड़ा, जोड़ जोड़े बनाने, पेयर बनाने हैं। अब ये 2 का कोई कॉमन नहीं है, फिर 5 का कॉमन है इधर, एक जोड़े में से 2 निकाली, दूसरे जोड़े जो जोड़े बने हैं इनको मल्टीप्लाई कर दें, तो रिजल्ट क्या आया, 10, क्या 10 था HCF,